एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना कश्यप और आप सभी का स्वागत है सर्चना। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको यहाँ पे फोन में वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोबाइल की वीडियो एडिटिंग के लिए प्राइम मास्टर को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है और रियलिटी में ये वीडियो जो है काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। मैंने भी इसका यूज किया हुआ है। हम यहाँ पे प्राइम मास्टर का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पे बेसिक जो है, यहाँ पे किस तरह से आप उसका इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलता है, क्या क्या सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक चीजें जो है, यहाँ पे सब कुछ वहाँ पे कवर होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा विदाउट वेस्ट टाइम लेटेस्ट। तो आपके पास आप पहली बार यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे अपना काइन मास्टर तो आपको इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं या फिर आप जैसे किसी और जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको फुल स्क्रीन पे आप बनाना चाहते हैं तो आप ये रेशियो जो है चूज़ करेंगे। अगर आप रील्स या टिकटॉक वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ये करेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ये करेंगे। तो यहाँ पे सारे उस तरह के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर चलते हैं। आपको एडवांस में जो है आप देख सकते हैं, आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे 16:9 की रेशियो यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आप क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास पहला इंटरफेस इस तरह का आपके पास ओपन होगा। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी कोई भी वीडियो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं कोई भी अपनी एक वीडियो जो है छोटी सी चूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो जो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, आपने इसी तरह से इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दोनों हाथ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, मतलब ऐसे ही मूव करूँगी अपने हाथ को, जैसे आप किसी फोटो को आप जूम करते हैं उस तरह से आप करेंगे तो आपकी वीडियो की जो टाइमलाइन है नीचे वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जैसे आपको वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे इस वीडियो में आपको यहाँ पे कट लगाना है तो आप किस तरह से लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस ओपन मिल जाते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर आपको फुटेज इसकी जगह आपको कोई और फुटेज डालना है, मीन्स अगर गलती से आपने कोई और ले ली तो आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर आप स्प्लिट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवाज़ अगर है इसमें से मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं वीडियो को, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस वीडियो की जो ऑडियो जो है एक्सट्रैक्ट करना है, मीन्स मुझे नहीं चाहिए, तो आप किस तरह से करेंगे। सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे करेंगे तो इसकी और वीडियो जो है यहाँ पे अब बाहर आ गई है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी वीडियो जो है ऑडियो जो मीन्स वो डिलीट हो गया। फिलहाल यहाँ से मैं इंडू कर देती हूँ, इस एरो को क्लिक करके हमारी वीडियो जैसी थी वैसे वापस आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप कट करेंगे। तो यहाँ पे आप फुटेज पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रिम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ट्रिम लेफ़्ट से करना है या राइट से करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रिम लेफ़्ट राइट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली साइड है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से कट हो गया एंड वो आपको दोबारा मतलब साथ में डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ इसका फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आपको बीच में इसके कट चाहिए लेकिन आप चाहते हैं दोनों पार्ट रहे मेरे, तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रिम्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को जो है सेंटर से या फिर किसी भी तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैंने सिंपल वे में आपको वैसे बताया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो को एंड में आप देखा यहाँ पे इस तरह से आप क्लिक करती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एंड में देखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पे एंड में चली जाऊँगी उस वीडियो को। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे फुटेज वगैरह इसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप कैसे इंक्रीज़ करें आपको देखना है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको बाद में समझ आएगा जब मैं इसमें कुछ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे इसके बीच में कुछ यूज़ करना है, ओके,
तो यहाँ से मैं एक और ओवरले लेती हूँ, मीन्स मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि आप ओवरले का इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लेयर पे जाके यहाँ पे मैं मीडिया पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ से मैंने जो भी ओवरले अपने डाउनलोड किया हुआ है ये मैं डाउनलोड करके रखा था एंड यहाँ से मैं कर देती हूँ और इसको मैं है इंक्रीज़ कर लूँगी अपने हिसाब से। तो यहाँ से मैं इसको साइज़ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको जिस तरह का चाहे साइज़ चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से अपने वीडियो पे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं चाहती हूँ इसका जो स्क्रीन ओवरले है इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ। तो यहाँ से आप स्पीड वगैरह पे नीचे करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप स्क्रीन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में मेरे ख्याल से यहाँ पे मल्टीपल यूज़ होगा। तो एक बार इसको अप्लाई करके देखते हो एंड देख सकते हैं ये हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार चला के दिखाती हूँ कि हमारा यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने देख लिया जो मैंने ओवरले यूज़ किया वो हमारी वीडियो में आ चुका है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे स्क्रीन का यूज़ करना है और उसका जो अल्ट्रा की मुझे रिमूव करना है वो मैं किस तरह से करूँगी। तो यहाँ पे मैं सीधा ओवरले पे गई एंड मीडिया पे गई, यहाँ से मैं अपना यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ और यहाँ से अब इसका मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगी, आपको यहाँ पे अल्ट्रा गीक ऑप्शन मिल रहा है, आपने जस्ट इसको क्लिक कर देना है और इसको अनेबल कर देना है और आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मेरा ये चीज़ जो है रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपना ग्रीन स्क्रीन, आपने देखा मैंने किस तरह से रिमूव किया, इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन जो रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने ये जो कट लगाया उसके बीच में आप चाहते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स हो तो किस तरह से करेंगे, तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इन डिफ़ॉल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पर अभी हम चलते हैं ये टेक्स्ट वाले है। अभी हम यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा वो ले लेते हैं एंड इस पे मैं कवर क्लिक करती हूँ, ठीक है, कवर पे, एंड इसको मैं चला के दिखाती हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पे क्या इसका यूज़र किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप सिंपली बहुत इजी वे में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये यूज़ कर लिया, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फुटेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कट कर देती हूँ सबसे पहले और इस वाली वीडियो का यहाँ पर मैं हाफ वाला जो है एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ अपने ऑडियो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे मुझे शो ही नहीं हो रहा और मैं किस तरह से देखूँ कि मैंने ओवरले को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि आप किस तरह से उसको देखेंगे, कौन कौन सा आपने यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना सारा कुछ देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो ये जो है मेरा डिलीट हो गया। आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है किसी को चाहिए होता है कि वीडियो के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है, मींस ओवरले आपने बाद में ऐड करना होता है, तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगी, आपने अलाउ कर देना है एंड स्टार्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर मेरी ऑडियो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई है, मीन्स कि ये मेरी वीडियो के साथ साथ ओवरले हो रहा है। मैंने उसका ऑडियो आप हटाएं ना हटाएं वो आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, स्टॉप कर दिया एंड यहाँ पे जो है आप देखेंगे अगर तो यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑडियो आ गया। तो इसको जो है यहाँ पे मेरा ऑडियो आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा चीज़ है। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ लगा है यहाँ पे, अगर आप देखो मैंने जो भी यहाँ पे आपको समझाया है इसका यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टू फेस जैसे टाइप के भी यहाँ पे देखने के इफेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मेरी ऑडियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में रिकॉर्ड होनी स्टार्ट, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फनी किड मैन, आपको बहुत सारे आवाज वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं किड को यहाँ पे यूज करती हूँ, यहाँ पे
मेरी ऑडियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गई है। मींस कि मेरी अभी फिलहाल के मैं नॉर्मल कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम का मैंने आपको बता ही दिया है, एंड यहाँ से वॉल्यूम का है, आप इंक्रीज कम ज़्यादा जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट जैसा भी आपको पिच चाहिए अपने हिसाब से। ओके, यहाँ से आप ऑटो वॉल्यूम को भी यहाँ पे इनेबल करके अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए ये इतना आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ आपको स्पीड के लिए। आप स्पीड के लिए पे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मुझे इस फुटेज का इंक्रीज़ करना है फुटेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ मेरी वीडियो जो है कम ज़्यादा हो रही है नीचे। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए इसको मैं 3.5 या 4 कर देती हूँ बस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 3.5 इज़ इनफ, ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने कर दी है। अब यहाँ पे देखिए म्यूट करना है ऑडियो या नहीं करना है, कीप पिच रखना है। यहाँ पे मैं मान लीजिए मुझे इस वीडियो का ऑडियो हटाना है, तो यहाँ पे मैंने ऑडियो को वो कर दिया है। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। रिवर्स आप कर सकते हैं इस वीडियो को, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे जूम है, रोटेट के लिए है आपका, अगर वीडियो उल्टी आ गई तो आप इस हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कलर करेक्शन के लिए आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो आप अपनी वीडियो में बहुत अच्छे लिए से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी ऑप्शन दिया आपको, इस चीज़ को आप ऑन करेंगे तो आपका विग्निटी मोड जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ओके, ये देखिए विग्निटी मोड यहाँ पे ऑन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूंगी तो इस तरह से हमारी वीडियो फिल से हो गई है। फिल्टर्स में आपको बहुत सारे फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है, अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे वॉइस चेंज मैं आपको दिखा दिया, एक्सट्रैक्ट दिखा दिया, ये सारी चीज़ें जो है आपको काइन मास्टर में देखने के लिए मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। आई होप कि आपको बेसिक एडिटिंग के रिलेटेड सब कुछ पता चल गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करने के लिए, आप इसको आप एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आपको ये रिमूव करना है अपना लोगो यहाँ पे काइन मास्टर का, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बाय नहीं किया हुआ है, तो ये बाय का वहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप इसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं आपको भी पता है। सो अभी हम फिलहाल इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करती हूँ उस पर क्लिक करूँगी। आपको कौन सी क्वालिटी में चाहिए तो आप यहाँ से हाई लो जो भी है आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपकी फ़ाइल की साइज़ उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी 4K तक यहाँ पे मैं सेव कर सकती हूँ अपनी वीडियो को, तो इस हिसाब से मैं अपनी वीडियो को सेव करके एज़ वीडियो करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरी और वीडियो जो है सेव होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको काइन मास्टर की जो भी बेसिक नॉलेज है वो सारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।